नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ईवीएम हटाओ देश बचाओ का जो है यहां पर एक जो है मीटिंग रखा गया है। यहां पर तमाम जो है बुद्धिजीवी मौजूद रहे, कई किसान कई नेता यहां पर जो है आए, और कहीं ना कहीं ईवीएम के खिलाफ जो है ये लोग जो है यहाँ पर इन्होंने वार्तालाप किया है। और अब देखा जाए तो 7 चरणों में चुनाव होने थे, जिसमें से 3 चरणों के चुनाव जो है वो हो चुके हैं, अब जो है 4 चरणों में चुनाव है। तो क्या लगता है कि 3 चरणों में तो हो ही चुके हैं चुनाव, तो क्या लगेगा सर? पहले तो आपका नाम क्या? मेरा नाम सतबीर सिंह पूनिया है, मैं पूनिया खापा खा प्रवक्ता हूँ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, बजरंग पूनिया मेरे गाँव का है, दीपक पूनिया मेरे गांव का, ओलंपिक में खेले हुए हैं, मेडल लेके आए हैं, और मनदीप पूनिया जो पत्रकार था वो भी मेरे गांव का, जो किसान आंदोलन में गिरफ्तार भी किया था, तो ये मेरे गांव के हैं। आप लोग यहां पर जो है ईवीएम हटाओ भारत बचाओ देश बचाओ का यहां पर जो है एक मीटिंग रखा गया, यहां पे तमाम लोग यहां पे मौजूद रहे, क्या लगता है कि 3 चरणों में तो चुनाव हो ही चुके हैं, अब 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं, तो आपने ये जो मीटिंग यहाँ पे रखी है कुछ लेट नहीं रखी सर? हमने मीटिंग काफी पहले भी की थी, मुजफ्फरनगर में भी की थी, यहाँ भी की थी, और आज भी कर रहे हैं, और कोर्ट के अधीन में था, विचाराधीन था, तो इसका फैसला आ चुका है, ईवीएम से ही होगा, लेकिन हम अब भी इसका विरोध कर रहे हैं, रिव्यू पिटीशन डालेंगे इसके बारे में, और हम 11 तारीख को मार्च करेंगे। कहाँ मार्च करेंगे? पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से मार्च करेंगे, और इलेक्शन कमिश्नर तक मार्च करेंगे, इलेक्शन कमीशन तक आप ज्ञापन भी देंगे, ज्ञापन भी देंगे। आप लोग चाहते हैं कि ईवीएम से ना हो? हाँ, ईवीएम हटाने का वो है, क्योंकि जिस भी किसी चीज में चिप लगी हुई है, अगर हम कहीं भी पेपर वगैरह होते हैं या एग्जाम होता है बच्चों का, वहाँ कहीं पर भी बैठ के उसको कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, तो मशीन को भी हैक किया जा सकता है जिसमें चिप लगी हुई है। तो आपने जो है आपने कहा कि आप लोगों ने ये पहले से ही आपने लेटर वगैरह दे रखे हैं, चुनाव आयोग में भी दे रखे हैं, तो चुनाव आयोग ने 3 चरणों में आपकी ये बातों को क्यों नहीं माना? इसके बीच में तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, अभी तो तकरीबन 20 दिन पहले ही आया है, तो अभी दोबारा हम इसको रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी होनी है, दिल्ली हाईकोर्ट में, और हम 11 तारीख को एक बहुत बड़ा मार्च निकालने के। जो आप बोल रहे रिव्यू पिटीशन, तो उसमें क्या हुआ? डिसमिस हुआ है क्या? डिसमिस नहीं हुआ, रिव्यू करेंगे, पहले वाला तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हमारे को इसमें गड़बड़ होती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसी से होगा, ईवीएम से इलेक्शन होगा। तो जब इतने बड़े उच्चतम न्यायालय ने जब ये चीज बोल दी, तो आपको तो फिर इसको मानना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और ये अभी उसका हमारे पास कुछ सबूत है वो देना चाहते हैं, लेकिन जो पिटीशन किया था वो वकील भी वहीं जाके मिल चुके हैं, इसलिए हम दोबारा रिव्यू कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने सबूत जो है वो पेश नहीं किए। हाँ, इसलिए अभी हम दोबारा सबूत पेश करना चाहते हैं, इसलिए रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है माहौल जिस तरीके से चल रहा है, पब्लिक महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी है, क्या लगता है कि पब्लिक जो है वो बदलना चाहती है सरकार? सरकार, मैं ज्यादा तो बात करना नहीं चाहता, मैं हरियाणा की 10 सीटों के बारे में बताना चाहता हूँ। 10 की 10 सीटें बीजेपी हार रही है, प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान का वो कर रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा रहे, महंगाई का मुद्दा नहीं उठा रहे, हिंदू मुसलमान मंगल सूत्र ये पता नहीं है ऐसी बातें लगा रहे हैं जो समझ से परे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का 1-2 कमरे हैं तो 1 मुसलमान को दे देंगे, एक ऐसा कभी कहीं संविधान में लिखा ही नहीं है। तो हम तो प्रधानमंत्री इतने मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो मेन मुद्दे हैं देश के, उन सबको मतलब उनका ध्यान भटकाना चाह रहे हैं? उसका तो बिल्कुल ध्यान भटका चुके हैं ये, हिंदू मुसलमान जो बातें बोलनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, महंगाई के बारे में बोलना चाहिए। अब आप बताओ कि नहीं पतले के आए हैं। मैं एक फौजी परिवार से संबंध रखता हूँ, हमारी 4 पीढ़ियाँ फौज के अंदर थी, मेरा पिताजी सूबेदार मेजर थे, मैं फौज के अंदर था, मेरा भाई फौज में, मेरे भाई का लड़का फौज में, लेकिन मेरा भाई का लड़का जो अभी लगा है वो 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, और मेरा भाई रिटायरमेंट होगा 5 साल के बाद में, तो पिताजी के सामने बेटा रिटायरमेंट हो रहा है, ये तो हम तो पहली बार देख रहे हैं, और
हमारे तो हरियाणा पंजाब यूपी ज्यादातर आर्मी में लगते थे और ये 4 साल की कर दी है बच्चे, वहाँ पर शराब पीना सीख जाएंगे, हथियार चलाना सीख जाएंगे, अपराध का बढ़ावा मिलेगा। हम तो ये चाहते हैं कि ये इस अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए। अच्छा, हाँ। ये भी देखा गया अभी यूपी में भी जो वैकेंसीज निकली थी और वो लीक हो गए थे पेपर। हाँ, पेपर तो सारे लीक हो रहे हैं इस सरकार में। आप कोई भी पेपर एक बताइए, नीट का भी अभी चल रहा है, अखबारों में चल माध्यम से हमारे पता चला है कि नीट का पेपर भी लीक हो चुका है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जब हमारी दोबारा से सरकार बन जाएगी, जिन्होंने भी ये पेपर लीक, इस पे कानून बनेगा और सबसे सख्त कार्रवाई होगी उन लोगों। मोदी जी तो बार बार यही बोल रहे हैं, इनका झूठ की दुकान है इनकी। पहले तो बोला 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे, किसके खाते में आए आप बताइए। आप एक आदमी को लाइए हमारे सामने के 15 लाख रुपए एक के खाते में आए, ये एक झूठ का पुलिंदा सरकार है। झूठ बोलने के सिवाय इनको कुछ नहीं आता। हम तो इनको गांव में भी नहीं घुसने दे रहे हैं। मेरे गांव के 2 बच्चों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, हमारे को बड़े दुख की बात है। उन्होंने सांसद मोदी को रोक के ये पूछा था, आप आज आपको गांव का कैसे पता चल गया, आप 5 साल में नहीं आए तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज। वोट मांगने आए थे, वोट मांगने आए थे, हम वोट के लिए मना नहीं करते गांव में, लेकिन उनको सवाल जवाब करने का हमारा अधिकार है कि आपको 5 साल में आज इस गांव का मैं कैसे आगे। मतलब व्यक्ति की जो एक स्वतंत्रता है उसको भी दबाया जा रहा है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, सवाल नहीं किया। हाँ, ये आजादी को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, आदमी की अधिकता को भी खत्म करने के लिए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं बच्चों पे भी। तो हमारे को बड़ा दुख हुआ कि हमारे 2 बच्चों पर मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने एक भी ऐसा शब्द नहीं बोला, जिसकी वजह से हमारे बड़ी वो हुआ है। सर, ये भी सुनने में आया है कि अगर मोदी जी आ जाते हैं तो जो आयुष्मान योजना है तो अब दोबारा कंटिन्यू वो चलती रहेगी, 5 लाख रुपए जो है वो हर वृद्ध व्यक्ति को मिलेगा इलाज के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये आप मोदी जी बार बार कह रहे गरीबी हटाओ, 80 करोड़ रुपए आदमियों को तो ये राशन फ्री दे रहे हैं, ये तो अपने आप मुख से बोल रहे हैं सभाओं में। 80 करोड़ तो गरीब है, 80 करोड़ के एक आदमी के ऊपर 5 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं आयुष्मान के, कितने अगर हमारे ही नहीं अस्पतालों का अच्छा क्यों नहीं किया जाए। इतने रुपए अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे रहे हैं तो इन्हीं अस्पतालों को बढ़िया क्वालिटी का क्यों नहीं बना दिया जाए, इतने कम रुपए में हो जाएंगे, ये हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इससे हमारे को फायदा होगा, न कि ये आयुष्मान से हमारे कोई फायदा नहीं है, आप बताइए। तो लास्ट में अब आप लोग इस मीटिंग के द्वारा जो है क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो और ईवीएम को हटाया जाए। और अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है, अगर ये आप लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, जहाँ ये लोग हार जाते हैं वहां पे भी तो ईवीएम से ही होता है ना? ये इनकी सोची समझी साल है, 3-4 इलेक्शन होने के बाद में एक जगह इनको जिता दिया जाता है, इससे आपको कभी भी वीवीपैट से मिलान क्यों नहीं कर रही है भाई, वोट डाल रहे हैं। खर्चा ज्यादा लगेगा ना? खर्चा लगेगा तो फिर खर्चे से ये अपने घर से थोड़ी लगा रहे हैं, पैसा तो हमारा है, हम ही इनकम टैक्स देते हैं, हमारे बच्चे ही देते हैं, गांव का हर एक आदमी जीएसटी देता है, तो पैसा तो हमारा है, तो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद।